बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं बन रहा था और आज मैंने थोड़ा सा बनाया था, थोड़ा सा बिज़ी चल रही थी तो इस वजह से व्लॉग नहीं आ रहे थे टाइम से। प्रॉपर टाइम देना पड़ता है और बस इस वजह से थोड़ा सा टाइम में थोड़ा हो गया। और हम लोगों ने बनाई हुई थी दाल, तो मेरे हस्बैंड का काफ़ी टाइम से दिल कर रहा था कि दाल के पराठे बनाऊँ और मौसम भी इतना अच्छा था, तो मैंने कहा चलो नेकी और पूछ तो बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे पराठे बना रही थी और पता नहीं आजकल वैसे भी क्रेविंग्स होती रहती हैं पराठा खाने की और इस तरह से ना, तो हम लोग शाम को इवनिंग में आजकल पराठा ही खा रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है। तो मौसम इतना ज़बरदस्त हो गया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इतनी गर्मी थी और उसके बाद अल्लाह जी ने इतना अच्छा मौसम किया और अल्लाह करे ऐसा ही मौसम रहे और बारिश इसी तरह रहमत की बारिश हो। और आज आए हुए थे, मेरी नंद आई हुई थी, उसकी बेटियाँ आई थी, तो ये मामू से खिदमतें कराती है। मामू के साथ ज़्यादा लाडली है अनाया, तो बस इसके साथ मामू लगे हुए थे और साथ हमारी तरफ आने थे गेस्ट कुछ नेक्स्ट डे। तो फिर हम लोगों ने पहले अपनी मतलब सिस्टर इन लॉ को बुला लिया था कि आप भी आ जाओ कि नेक्स्ट डे गेस्ट आना है, तो चलो इकट्ठे मिल लेंगे। क्योंकि अक्सर दूर से मेहमान वगैरह आए ना, तो हमारी कोशिश होती है कि एक ही बार सारे मिल लें। तो फिर यहाँ खाना वगैरह रेडी हो गया था और यहाँ में इतना ज़्यादा हम लोग बिज़ी थे कि बस प्रॉपर पूरी किसी भी चीज़ की मैं वो नहीं बना पाई। कैमरे याद आता था तो मैं व्लॉग बनाती थी, तो बस यहाँ ये चलता रहा। तो बस यहाँ पर साथ बनाया था पुलाव और साथ बनाया था आलू गोश्त का सालन बनाया था। और बस यहाँ पे सैलड वगैरह रेडी हो रहा था और बस जितनी जल्दी हम इतनी सारी लड़कियाँ थी जल्दी जल्दी आज चला रहे थे। और यहाँ पे गेस्ट को हम लोगों ने खाना दिया, लेडीज़ को बैठ दी और जेंट्स एक जगह बैठ के खाया। और उसके बाद हम लोगों ने खाया उनके जाने के बाद। और फिर मैं मम्मा की तरफ चली गई थी, वहाँ पिया ने मेरे लिए बनाई लस्सी स्क्रॉल डाल के। चीनी नहीं आजकल यूज़ कर रहे हम, कम हो गया चीनी का। और ये मिनी सा व्लॉग, आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग बड़ा बनाने की कोशिश करूँगी। आइए, आपको व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।